मोबाइल नंबर बताइए। बताइए कैसा काम करें। देखिए हम लोग नाज आई हॉस्पिटल जो करेली में 60 फीट रोड पे है, इसकी तरफ से हम लोग बराबर निःशुल्क कैंप लगा रहे हैं। आँखों की जांच और दवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं, चश्मा दे रहे हैं हम लोग, और जिनका भी ऑपरेशन मोतियाबिंद का निकल रहा है उनको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, उनका ऑपरेशन वहाँ पे किया जा रहा है। तो हम लोग ये बराबर ये कैंप लगा रहे हैं, जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। आज भी यहाँ पे खुल्लाबाद में जो है जो यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद हैं अब्दुल समद साहब, उनके सौजन्य से यहाँ पे भी कैंप लगा और लगभग 450 लोगों ने जो है यहाँ पे जांच अब तक कराई है और अभी भी लोग आ रहे हैं और जांच यहाँ पे जारी है और लोगों का यहाँ पे बाकायदा मशीनों के द्वारा जो है उच्चकृत मशीनें हैं उससे जांच की जा रही है। उनको जो है उनका पूरा जांच के बाद जो है उनकी दवाएं और उनको आँखों की रखरखाव के बारे में सही जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कैंप आगे भी लगते रहेंगे? कैंप आगे भी जारी रहेंगे। मैं सैयद मोहम्मद अस्करी, नाज हॉस्पिटल का मैनेजर। ये वाला आज यहाँ पे नाज आई हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे जो कैंप लगाया गया है निःशुल्क जांच शिविर का, इसमें आप लोगों ने लोगों को आंखों से संबंधित किस प्रकार की जांच किया और क्या आप लोगों ने उनको बताया? देखिए जैसा कि यहाँ पे नाज आई हॉस्पिटल की तरफ से आज निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में पेशेंट आते रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने कई पेशेंटों को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि मोतियाबिंद जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, ग्लोकोमा हो गया जिसको समलबाई कहते हैं, नाखूना हो गया, ऐसे बहुत से पेशेंट रहे और बहुत से पेशेंट ऐसे हुए जिनको विज़न की प्रॉब्लम थी, रिफ्रैक्शन हुआ, चश्मे वगैरह भी हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत थी उनको मेडिसिन प्रोवाइड कराई गई है, बट जिनको सर्जरी की ज़रूरत है उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल बुलाया है जिसमें हम उनकी कैटरेक्ट की ग्लोकोमा की सर्जरी करके उनको एक अच्छी रोशनी दे सकें। मैं डॉक्टर अभिषेक कमजे, डायरेक्टर नाज आई हॉस्पिटल। इसका मकसद गरीबों की मदद करना था। आज हम वार्ड नंबर 93 इसमें जो अब्दुल समद पासा के सौजन्य से मैंने एक कैंप गरीबों की मदद के लिए लगाया था, जिसमें 450 करीब लोगों ने जांच कराया और उसके बाद करीब 40-45 लोगों को चश्मा वितरित किया गया और कुछ लोगों को ऑपरेशन के डॉक्टर ने सलाह दिया है। मकसद सिर्फ ये है कि जो गरीब तबका है, वंचित है, दलित है, उन लोगों की मदद करना। क्या ये आगे भी कैंप लगते रहेंगे इस तरह से? हाँ, जिस तरह से देख रहे हैं कि अभी इसके बाद भी बहुत से लोग छूट गए हैं, उसके लिए भी आगे हम करीब हफ्ता भर बाद नहीं लगेंगे, इसको वार्ड 93 में लगाएंगे। अच्छा, चश्मा वितरण तो पैसा लिया गया कि फ्री में? कोई पैसा नहीं। परिचय दे दीजिए आप। समझ समझ।